हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालू और मेरे यूट्यूब चैनल आदि फैमिली ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। कॉपीराइट क्यों आता है? ये हमें वार्निंग मिलती है कि हम अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड ना करें। अगर हमारी वीडियो पर बार बार कॉपीराइट आ रहा है तो इससे हमारा चैनल खतरे में पड़ सकता है और हमारा चैनल डेड भी हो सकता है, जिससे मोनेटाइज के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो हम वीडियो में करते हैं और हमें पता नहीं चलता, हम अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं, हमें लगता है कि हमने तो अच्छे से वीडियो अपलोड की है तो फिर इस पर कॉपीराइट क्यों दे दिया। ऐसी छोटी छोटी गलती मैं लेकर आई हूँ जो हम अपनी वीडियो में करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नंबर एक है कि हम इंस्टाग्राम और भी कोई ऐप है जिससे कि वीडियो उठाया और अपने चैनल पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। वीडियो तो हम अपलोड करते हैं लेकिन साथ के साथ हम उसका लोगो भी नहीं हटाते हैं। जैसे कि हमने इंस्टाग्राम अपनी आईडी बनाई हुई है और उससे हमने कोई भी वीडियो हमें अच्छी लगी और वीडियो उठाया और हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, तो ये गलत है क्योंकि हमने वीडियो तो अपलोड कर दिया, उसका हमने लोगो भी नहीं हटाया है। अगर हाँ, आपको वीडियो अपलोड करनी है इंस्टाग्राम से या कोई भी किसी ऐप से, हमें वीडियो अपलोड करना है, अपना ही वीडियो अपलोड करना है, मान लीजिए कि हमने इंस्टाग्राम से अपना वीडियो बनाया और उसको हमें यूट्यूब पर अपलोड करना है, तो उसका हमें लोगो हटा देना है। बिल्कुल साफ क्लियर साफ सुथरी वीडियो देखेंगे और अपना लोगो वोगो हटाकर उसको यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, तो इस तरीके से हमें यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना है क्योंकि हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो हमें अपना ही वीडियो अपलोड करना है और अपनी ही मतलब यूट्यूब का ही वीडियो दिखाना है, किसी और ऐप का वीडियो नहीं दिखाना है। नंबर दो, अगर हम किसी भी मतलब किसी का भी वीडियो हम YouTube पर देख रहे हैं और हमें अच्छा लगा है, उस वीडियो को उठाया हमने और अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, अपने चैनल पर डाल दिया, तो ये गलत है। इस तरीके से अगर मान लीजिए मेरी ही वीडियो है, मेरी वीडियो आपने अपने चैनल पर डाल दी है, तो उसमें सारा का सारा वीडियो में सारा मेरा ही नहीं, उसमें चाहे भले ही आप लास्ट में दिखा दीजिए, लास्ट में दो चार सेकेंड के लिए आप अपना भी दिखा दीजिए, अपने बारे में भी दिखा दीजिए, इससे ये होगा कि ये चैनल आप ही का है और आपने किसी और की वीडियो डाली है और उसमें सब कुछ उन्हीं का है और आपने अपने बारे में कुछ नहीं दिखाया, तो वो चैनल आपका उनकी कॉपी दिखा दिया जाएगा कि आपने उनकी कॉपी का चैनल किया है, ये फेक चैनल है। तो इसलिए अगर आगे से आप किसी का भी वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पर, तो उसमें थोड़ा मतलब बीच बीच में कट करके अपना भी दिखाइए, अपना भी बोलिए, कुछ बीच बीच में कट करके कर दीजिए, लास्ट में करिए, चाहे स्टार्टिंग में करिए या बीच बीच में कर दीजिए, तो उससे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा और आप किसी का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। और नंबर तीन बात ये है कि अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं, लॉन्ग वीडियो आपको अपलोड कर देनी है और आपने लॉन्ग वीडियो बनाई है, आप कहीं डीजे वीजे बज रहा है, डांस कर रहे हैं और आपने लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दी, उसमें आप डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें बैकग्राउंड जो म्यूजिक है उस म्यूजिक को आप 10 सेकेंड के लिए ही डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर उससे ज़्यादा किया तो आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, नहीं तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दीजिए वहाँ से और यूट्यूब की तरफ से जो दिए हुए म्यूजिक है आप उसको लगा देना वहाँ पर। अगर आपको डालना ही है तो सिर्फ 10 सेकंड से फालतू उसमें म्यूजिक नहीं ऐड करना है, और वो भी फास्ट म्यूजिक कर दे, जिससे कि आपके जो म्यूजिक की आवाज़ है वो अच्छे से क्लियर सुनाई ना दे आपके वीडियो में, जिससे आपके नहीं तो आपके चैनल पर मतलब कॉपीराइट आएगा और कॉपीराइट आएगा तो आपका चैनल में खतरा आएगा और डेड हो जाएगा आपका चैनल। नंबर चार बात, अगर आप अपने वीडियो पर अपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं और आपने अपने वीडियो अपलोड कर दिया और आपको फिर बाद में पता चला कि आपने ये वीडियो अच्छे से नहीं बनी है, या आपका वीडियो बनाते हुए कैमरा हिल गया है, या आपका हाथ हिल गया है, या आपने डायलॉग अच्छे से नहीं बोला है, तो उसको आप तुरंत डिलीट कर देंगे, तो आपको वो ना वीडियो डिलीट नहीं करनी है। और ऐसे जैसे कि आपने कई बार डाली और कई बार डिलीट करी तो उससे भी कॉपीराइट आ सकता है, यूट्यूब ये परमिशन नहीं देता है कि आप बार बार आप अपने चैनल पर वीडियो डालें और डिलीट करें। आप अपलोड करने से पहले चाहे 1000 बार डिलीट कर लीजिए अपने वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपलोड करने के बाद वीडियो डिलीट मत करिएगा, इससे भी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और आपका चैनल खतरे में पड़ सकता है। और मोनेटाइज होने के टाइम पर अगर आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है तो ये सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा करती है कि कॉपीराइट बार बार आ रहा है आपकी वीडियो पर, क्योंकि ये क्लेम आता है। आप इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड मत करिएगा, ये यूट्यूब आपको बताता है और ये आप समझते नहीं, वही गलती बार बार करते रहते हैं, इसीलिए बार बार आपको कॉपीराइट दिया जाता है।
नंबर पांचवी बात है कि जैसे कि कोई वैसी वीडियो बनाते हैं, आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं या लॉन्ग वीडियो करते हैं जिसमें कि मार धाड़ हुई या हिंसावादक शब्द हुए या कोई इस तरह की चीज़ हुई, चाकू छुरी गन हुआ या वैसे ब्लड दिखा दिया आपने, तो वो सब गलत है, यूट्यूब के खिलाफ है ये सारे वीडियो। अगर आप वैसे ही वीडियो बना रहे हैं तो आप जैसे मतलब मान लीजिए आप किस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, हंसी मजाक की कॉमेडी वीडियो है और आपने अपने हस्बैंड को डरा रहे हैं चाकू लेकर या छुरी लेकर, तो इससे भी वीडियो अपलोड करेंगे आप और कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, आपको वार्निंग मिल सकती है यूट्यूब की तरफ से। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो बनानी है तो आप कोई और चीज़ ले लीजिए जिससे कि आपको मतलब कॉमेडी वीडियो बनानी है, जैसे अपने हस्बैंड को डराना है या कोई और भी अदरवाइज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी इस तरह की वीडियो बना ले तो कुछ और चीज़ ले लीजिए जिससे कि आपको कॉपीराइट क्लेम ना आए। तो यही छोटी छोटी सी बातें थी जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, मुझे इतनी ही जानकारी थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कॉपीराइट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आगे जाकर हमारा जैसे मोनोटाइज होता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत बनती है, और इसी वजह से मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और अगर हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो या वैसी फेक वीडियो जैसे कि ब्लड वगैरह दिखा दिया, फेक ब्लड दिखा देते हैं जैसे कि, तो उसमें भी कॉपीराइट क्लेम आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। भले ही आपका चैनल आपने सोचा हो कि मोनोटाइज होने में ही तो खतरा होगा, मेरा तो चैनल मोनोटाइज हो गया मैं बना सकती हूँ, नहीं, अगर उसके आपके उस वीडियो पर कितने भी ज़्यादा व्यूज़ हो लेकिन उसका डॉलर जो बनेगा ना तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह का क्यों रिस्क लेना, इस तरह की चीज़ें क्यों दिखानी है, मेरी यही सलाह है कि इस तरह की चीज़ें मत दिखाइएगा और अपने चैनल को एक साफ़ सुथरा चैनल बना के रखिएगा। इधर उधर से अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब पर सिर्फ अपना ही दिखाइए, उधर उधर से कोई भी ऐप की आप वीडियो उठाकर अपने चैनल पर अपलोड ना करिएगा। अगर आप अपलोड करने हैं तो अपनी ही वीडियो अपलोड करिएगा, यूट्यूब पर अपना ही करिएगा, किसी और वीडियो का लोगो वगैरह नहीं दिखना चाहिए। तो यही छोटी छोटी जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर कमेंट भी कर देना और थैंक यू। मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।